मेरे पापा नु उन्होंने फड़ लिता ते कहंदे कि आ जा इनु कुट मार करदे हां। मेरे नाल हाथा पाई कर लापे कहंदे भी इनु फड़ो इनु खिच के लेके मेनू जांदे सी ते कहंदे इनु स्टोर रूम च खड़ो इहदे आपां इनु कुट कुटापा लाने आ ते आ जिहड़ा सुधरेगा फेर ही आ मुड़ेगा ऐसा कहन तो। स्कूल वाले दे अपने सीसी कैमरे उत्थे लगे हुए है जी। ऐ मैं उन्होंने पुलिस वाले नु मैं मंग करदा कि उन्हां दी उत्थों सीसी फुटेज कढ़ी जावे तो उत्थों देखिया जावे कि मेरे नाल किन्ने इन्होंने बदसलूकी ते धक्का मुक्की कीती है। जिथे भगवंत मान जी एक सिक्ख्या दा मंदिर कह के इहदे विच सुधार करन दीआं गल्लां करदे ने बहुत, पर उत्थे ही इन्हां दे स्कूलां विच गुंडे पाले जांदे आ ते इह मैनूं बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चिआं दे सामणे इन्हां नूं हत्थों पाई कीती इन्हां ने। मेरा नाम निमरत पाल कौर है, मैं खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल च पढ़दी हाँ। ते अज मेरे पापा नाल मैं सवेरे स्कूले गई सी ते मेरे पापा नु उन्होंने फड़ लिता ते कहंदे कि आ जा इनू कुट मार करदे हाँ। ते वह अंदर लै गए, आपां किन्नी उच्ची उच्ची रोण लग पए ते आपां कहा कि हाँ मेरे पापा नु छड़ देवो, पर वह कहंदे आपां नहीं छड़ना, आपां इहदी सेवा करके आवांगे। ते आपां किन्ना उन्होंने रोकिया पर वह नहीं रुके। फिर कई पेरेंट्स आए ते उन्होंने फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्डां नु रोकिया, फिर इस करके यही गल हुई। उपकार सिंह है जी, की गल हुई अज सारी जी? मेरे बच्चे खालसा पब्लिक स्कूल विच पढ़दे आ ते कई तीन चार साल तो मैं उत्थे उन्हां बच्चों नूं पाया अपने स्कूल ते उत्थे स्कूल विच। ते अज सवेरे मैं स्कूल जद बच्चे छड्डन गया वां ते बारिश दे कारण बाहर गेट दे सामने टुट्टी पई सड़क, उत्थे किन्ना रश सी ते नाले पानी किन्ना किन्ना खड़िया सी, बच्चे पानी दे विच उतर उतर के जा रहे सी, सारे बूट चोक्स सारियां गिल्लियां हो रहियां सी। तो मैं अंदर जाके सिक्योरिटी गार्ड नूं कहा उन्हां दे जो भी गेट ते खड़े सी कि घट्टो घट बारिश वाले दिन बच सानूं अंदर जान दिया करो, बच्चों नूं छड्डन वास्ते बाहर रश भी बहुत पै जांदा ते बच्चे सारे कपड़े गिले हो जांदे बच्चों के। तो ऐसे गल तो मैनूं कहिंदे भी आपां नहीं अंदर नहीं जान देना, ऐ आपां नहीं कर सकते। तो मैं कहा भी क्यों अज दे घट्टो घट बारिश वाले दिन ते हां, मैनूं कहिंदे भी तूं कौन हुंदा है कुछ करन कहण वाला। तो इन्नी गल करते तो उन्हां दे होर सिक्योरिटी गार्ड भी नाल आ के मेरे नाल हत्था पाई कर लापे कहिंदे भी इहनूं फड़ो इहनूं खिच के लैके मैनूं जांदे सी ते कहिंदे इहनूं स्टोर रूम च खड़ो इहदे आपां इहनूं कुट कुटापा लाने आ ते आ जिहड़ा सुधरेगा फेर ही आ मुड़ेगा ऐसा कहण तों। तो मैं कहा भी होर भी बाद च उस तों बाद पेरेंट्स होर भी आए उत्थे, उन्होंने मैनूं बड़ी मुश्किलां उन्हां दे हत्थों छडाया ते मेरे बच्चे रोंदे रहे उन्हां दे सामने रोंदे मेरे पापा नूं छड्डो मेरे पापा नूं छड्डो, पर उन्हां दे इस गल दा भी कोई असर ना होया छोटे छोटे बच्चों का। उन्हां दे सामने मेरे नूं फड़ के मैनूं धरू के अंदर लैके जांदे ते कुछ पेरेंट्स ने आण के जद रोकिया ते फिर उन्होंने मैनूं छड्डिया ते मैं उत्थों फटाफट अपना बाहर निकल के अपनी जान बचाई ते मेरे नाल गाली गलोच की ते मेरी पग नूं भी हत्थ पाउण दी कोशिश की सी उन्होंने। मेरी मंग यही है जी जिहड़े खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल च उन्होंने जिहड़े गुंडे पाले दे आ उन्हां दे खिलाफ़ परचा किया जाए ते इन्हां दीआं जिहड़ीआं गलत नीतियां उन्हां नूं थोड़ा सुधार किया जाए तां कि गांह तों बच्चों जां बच्चों के पेरेंट्स नूं कोई मुश्किल ना आवे। उत्थे बाहर सड़क के उत्ते ही सारे पेरेंट्स बच्चों नूं उतार दिंदे आ, जे कोई गड्डी आ जाए जे कोई एक्सीडेंट हो जाए उहदा कारण वी आ स्कूल दे जिहड़ी मैनेजमेंट आ उही होएगा। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ,
मेरे बच्चे 4 साल तो खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल जा रहे हैं, तो अज जो 7:30 बजे बच्चे स्कूल गए हैं, जो इतों के सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने अज मेरे घरवाले के नाल बदसलूकी की, उन्होंने हथोपाई की इन्होंने नाल, तो यह मैनू बर्दाश्त नहीं, मेरे बच्चों के सामने इन्होंने हथोपाई की इन्होंने, तो जो कि मैं बर्दाश्त नहीं है। मैं इन्हें भगवंत मान को अपील करती हाँ कि जो इन्होंने अज किया इन्हों के उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, तो मेरी मंग पूरी की जाए। अगर जे नहीं होंगे तो मैं खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल के सामने धरना लगावगी।